नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज। मैं आपके साथ वैष्णवी मावर। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। आदिम जाति कल्याण विभाग मुरैना में लोकायुक्त की छापामार कार्रवाई। बाबू को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया गया है और एससी के हितग्राही को ट्रांसफर्म के लिए आर्थिक सहायता का प्रकरण स्वीकृत करना था। बाबू जगदीश वर्मा ने 15,000 रुपए की मांग की थी। पैसों का दबाव बनाने पर हितग्राही ने लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक को शिकायत की और प्राथमिक कार्रवाई के बाद आज की गई छापामार कार्रवाई। बाबू आज ले रहा था 10,000 रुपए और लोकायुक्त पुलिस आदिम जाति कल्याण कार्यालय में कर रही थी कार्रवाई। लोकायुक्त पुलिस ने आदिम जाति कल्याण विभाग के बाबू जगदीश वर्मा को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ लिया है। लोकायुक्त ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दिया है और मामले की जाँच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। निवासी कैंपुरा तहसील सवलगढ़, उसके आवेदन पत्र पर कार्रवाई की गई है। वो जगदीश चंद्र वर्मा जो यहाँ पर फायर ग्रेड 3 हैं, जो बस्ती विकास एवं पंप उर्जीकरण का कार्य देखते हैं यहाँ पर, उन्होंने उस संभावित लिस्ट हितग्राहियों की लिस्ट में शामिल करने के लिए 15,000 रुपये घड़ी लगाओ और 10,000 रुपये रिश्वत देते हुए यहाँ पर हजार रुपए की रिश्वत की मांग करी थी, लेकिन 10,000 में आज बात हुई थी। और कौन है? 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 कौन